गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इट इज़ द नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास टेन एंड स्टूडेंट वी आर स्टडिंग द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यू ऑल नो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर सो स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड डिस्कस द निमेरिकल ऑन द मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फार्मूला एंड स्टूडेंट हमने मिरर फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व किए थे बट मैगनीफिकेशनस uh, पे नहीं किए थे तो मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूले पे एक साथ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन में जब मैग्निफिकेशन भी पूछा रहा है और मिरर फार्मूले में जैसे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट भी डिस्टेंस पूछता है एक साथ तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली मैग्नीफिकेशन है क्या मिरर फार्मूला क्या होता है तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैग्नीफिकेशन के बारे में अच्छे से बताया था वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए मैग्नीफिकेशन के बट एक बार बता दे रहा हूँ मैग्निफिकेशन्स का जो फार्मूला होता है एक ये होता है कि एम बराबर एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ एक फार्मूला ये है कि एम इज़ इक्वल टू एच आई बाई एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज ये होता है हाइट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक फार्मूला ही होता है और एक होता है माइनस वी बाई यू ये होता है एक फार्मूला माइनस यू वी बाई ये फार्मूला और एक फार्मूला आपके पास ये भी है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू तो स्टूडेंट ये तीन फार्मूले मैग्नीफिकेशन के हैं और मेरा फार्मूला आपको पता ही है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू तो ये फार्मूलाज प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में पहले आप नाइन ये इस को डिस्कस कर लीजिए ताकि अच्छे से समझ लीजिए ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोई दिक्कत ना हो तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे क्वेश्चंस लेंगे ताकि आप एन की एक्सरसाइज सॉल्व करें खुद से हमें नहीं कराना पड़े जब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो एन के सारे एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं तो चलिए एग्जाम्पल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है पहला एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं टू सेंटीमीटर ऑफ ऑन ऑफ़ एन ऑब्जेक्ट is placed at uh, uh, 20 centimeter from a concave mirror where should be image be form where should be image b form will you stop the focal length of a mirror ज फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड आल्सो फाइंड एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन तो स्टूडेंट देखिये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन और इमेज की पोजिशन तीन चीज फाइंड करना है पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और क्या गिवन है क्या फाइंड करना वो अच्छे से एक बार देख लीजिए ए टू सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस प्लेस एट ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन के मिरर एक दो सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो दो सेंटीमीटर मतलब ये एच ओ गिवन है टू सेंटीमीटर ये एच ओ गिवन है जो हमारा कितना है टू सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट और आगे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कान के मिरर ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब ये U है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सा मिरर है कान के हो, तो ये क्या होगा माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके ध्यान देना बेटा और ये पूछ रहा है कि वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म मतलब इमेज कहाँ बनेगा इमेज की पोजिशन क्या होगा तो मतलब वी पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज फिफ्टीन सेंटीमीटर तो एफ गिवन तो है तो एफ फिफ्टीन तो माइनस होगा कि प्लस ये कान के मिरर है तो माइनस होगा माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर और क्या गिवन है क्वेश्चन में एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन मतलब हमें एच i निकालना है और एम निकालना है तो यहाँ पे हमें तीन चीज फाइंड करना है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट फाइव मार्क्स के पूछे जाते हैं फोर मार्क्स के फाइव मार्क्स पे तो ऐसे में आपको क्या क्या ध्यान देना है कि आपको इमेज v निकालना है और एच निकालना है m निकालना है तो बहुत इजी कंसेप्ट है पहले आपको v निकालने के लिए आपको क्या करना होगा मिरर फार्मूले का यूज करना होगा ये तो बहुत बेसिक आइडिया है मिरर फार्मूले का यूज़ करके तो मिरर फार्मूला एक्चुअली है क्या वन बाई एफ़ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू तो वी निकालने के लिए वन बाई एफ बी इजल टू वन बाई एफ़ माइनस वन बाई यू कर देते हैं ठीक है सॉरी ये प्लस होता है वन बाई वी एफ इज्कवल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू होता है वन बाई वी इज्कल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू हो जाता है अब वैल्यू रख दीजिए तो बी निकल जाएगा एफ़ की वैल्यू एक्चुअली माइनस फिफ्टीन है और माइनस यू की वैल्यू माइनस ट्वेंटी इधर से माइनस माइनस प्लस हुआ एल्सीयम ले लेंगे तो कितना एल्सीय हो जाएगा सिक्सटी तो इधर से माइनस फोर और इधर से थ्री तो आ जाएगा माइनस वन माइनस वन अपॉन सिक्सटी दिस इज वन बाई वी तो v इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर देखिए v की वैल्यू आ गई माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट तो आगे पूछ रहा है कि एच आई हाँ निकालिए और मैग्निफिकेशन निकालिए ठीक है तो देखिए एच ओ गिवन है और एच हाँ आई निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ये फार्मूला हमने बताया था कि अगर आपके पास v पता है u पता है और अगर एच ओ गिवन है तो एच हाँ आई निकाल सकते हैं या एच हाँ आई गिवन हो तो एच ओ फाइंड कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में तीन चीज़ गिवन है आपके पास एच हाँ आई निकालना है तो एच हाँ, आई ऐसे ही रहने दीजिए एच ओ की वैल्यू रख दीजिए एच ओ की वैल्यू कितनी है टू सेंटीमीटर एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस है v की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्सटी तो माइनस सिक्सटी रख दीजिए अपान u की वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू माइनस ट्वेंटी ओके ध्यान दीजिए माइनस माइनस कैंसिल और इधर से ट्वेंटी से थ्री कैंसिल माइनस थ्री बचा एच आई बाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री तो एच आई इज इक्वल टू माइनस थ्री इन टू मतलब माइनस सिक्स सेंटीमीटर एच आई की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स सेंटीमीटर एच आई की वैल्यू माइनस सिक्स सेंटीमीटर मतलब हाइट और जो इमेज है वो माइनस सिक्स सेंटीमीटर माइनस का मतलब इन्वर्टेड है उल्टा तभी निगेटिव आ रहा है और V की वैल्यू पोजीशन ऑफ इमेज जो आई वो 60 सेंटीमीटर अब लास्ट क्या फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बहुत इजी है तो चाहे आप एच आई बाई एच ओ लगा दीजिए चाहे V बाई यू माइनस वी बाई यू लगा दीजिए सेम है तो एच आई बाई एच ओ तो एच आई की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स अपन एच ओ की वैल्यू कितनी है टू है तो ये कैंसिल कर दिया माइनस तो थ्री तो ये एक्चुअली मैग्नीफिकेशन कितना आ गया माइनस थ्री तो स्टूडेंट हमने तीनों चीज़ देखी फाइंड कर लिया इजी कन्सेप्ट है कुछ करने नहीं है ध्यान देने हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा आपको गिवन क्या है वो ध्यान देना है और पूछ क्या रहा है वो चीज़ ध्यान देना है अगर आप ये कन्सेप्ट आपको ये पता आ रहा है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ठीक है स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करूंगा उसके बाद आप खुद करेंगे देखिए समझना है एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ सकता है क्या करना है पहले आपको पहले आपको ध्यान देना है कि क्या गिवन है क्वेश्चन में है ना और क्या पूछ रहा है तो ये चीज़ आपके साथ हुआ गया तो जैसे यहाँ पर आप वी निकालना है तो वी के लिए मेरा फार्मूला यूज कर लिया हमने आपको ये फार्मूला बताया है कि अगर आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो या हाइट ऑफ इमेज इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं देखिए एन ऑब्जेक्ट सॉरी अ कैंडल इन हाइट फाइव सेंटीमीटर कैप्ट एट थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर वेयर सुड बी इमेज बी इमेज ऑफ कैंडल इमेज ऑफ कैंडल बी फॉर्म ओके ए फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिररर दिया है आपके पास टेन सेंटीमीटर एंड आल्सो फाइंड एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑफ कैंडल मैग्निफिकेशन एंड नेचर नेचर ऑफ इमेज तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं एक कैंडल है जिसकी हाइट फाइव सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये एच आई है एच ओ सॉरी क्या है एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है फाइव सेंटीमीटर जो चीज़ हम लेते हैं मिरर के सामने वो ऑब्जेक्ट होता है तो वो चीज़ आपको पता है तो चलिए हाइट ऑफ फाइव सेंटीमीटर इज केप्ट एट थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर इसको एक कैंडल को हम 30 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर मतलब ये U है U की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर तो ये कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में U निगेटिव होता है ठीक है चलिए वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म ऑफ कैंडल तो इमेज का कैंडल uh, का इमेज जो है कहाँ बनेगा वी पूछ रहा है ठीक है और द फोकल लेंथ ऑफ कॉन कॉन्वेक्स मिररर ये आपके पास गिवन है टेन सेंटीमीटर तो एफ गिवन है टेन सेंटीमीटर तो बताओ फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्रीवियस लेक्चर्स को देखें आसानी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑफ कैंडल मतलब हमें एच आई निकालना है और मैग्नीफिकेशन भी निकालना है और नेचर भी निकालना है इमेज का नेचर भी निकालना है तो इस क्वेश्चन में चार चीज़ें पूछ रहे हैं पहला तो वी निकालना है और हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफिकेशन नेचर तो स्टूडेंट सेम एज आपको करना क्या है वी निकालने के लिए मेरा फार्मूला का यूज़ करना है वी वन बाई वी इज कोल्ड क्या लेंगे वन बाई एफ़ माइनस वन बाई यू स्टूडेंट वन बाई एफ एफ की वैल्यू कितनी है टेन माइनस यू की वैल्यू कितनी है माइनस थर्टी Uh, इस क्वेश्चन को आप पहले पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए तो बाद में लास्ट वीडियो को देखिए ताकि आप कर पा रहे कि नहीं तो स्टूडेंट uh, आगे देखते हैं ये माइनस थर्टी माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस तो एल कितना ही थर्टी हो जाएगा और इधर थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर बाई थर्टी तो ये वन बाई वी है तो वी निकालोगे तो थर्टी बाई फोर आ जाएगा सेंटीमीटर ये आ गया फिफ्टीन बाई टू लिख सकते हैं इसको फिफ्टीन बाई टू मतलब सेवन पॉइंट टू सेंटी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो जो वी आ गया हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आ गई सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है और वो किस में आया है प्लस में आया है ठीक है आप इसका मतलब वर्चुअल इमेज है नेचर समझ में आ गया चलिए अब क्या करना है एच आई निकालना है तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी ये फार्मूला आपको पास पता है निकाल देना है एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू कितनी है फाइव इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी आई है थर्टी बाई फोर रखिए थर्टी बाई फोर अपॉन यू की वैल्यू कितनी है थर्टी है माइनस थर्टी है? Uh, है. है तो चलिए इधर से माइनस माइनस कैंसिल थर्टी से थर्टी कैंसिल एच आई बाई एच आई जो है फाइव उधर चला जाएगा तो फाइव बाई फोर यह आ जाएगा फाइव बाई फोर सेंटीमीटर मतलब वन पॉइंट समथिंग आ जाएगा वन पॉइंट टू फाइव है ना यह आ जाता है हमारा एच आई हाइट ऑफ इमेज आ गया वी आ गया अब लास्ट मैग्नीफिकेशन निकालना है तो मैग्नीफिकेशन बराबर एच आई बाई एच ओ तो एच आई की वैल्यू फाइव बाई फोर है और एच ओ की वैल्यू कितनी है फाइव है तो फाइव से फाइव कैंसिल मतलब वन बाई फोर मैग्नीफिकेशन कितना आ गया वन बाई फोर तो स्टूडेंट हमारे पास जो वी आया है वो प्लस में सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और जो हमारा हाइट ऑफ इमेज आया है वो फाइव बाई फोर सेंटीमीटर और जो आपके पास मैग्नीफिकेशन आया है वो वन बाई फोर सेंटीमीटर और नेचर क्या होगा नेचर तो बहुत इजी है वर्चुअल वर्चुअल एंड एंड इरेक्ट इरेक्ट अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि आपके पास पता है, है इमेज और हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है तो सीधे सीधे निगेटिव नहीं आ रहा इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है ने, नेचर भी बता सकते हैं अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो नेचर क्या होता रियल एंड इनवर्टेड तो स्टूडेंट हमें ये लगता है कि आप दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है और कोई एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चन नहीं होता सेम एज दैट क्वेश्चन आपके पास मिलने वाला है तो स्टूडेंट इस बेस्ट पे आपके पास होमवर्क कुछ हम दे देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ओके तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है Uh, बोल भी दे रहे हैं क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन ये है कि अ थ्री सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम ए कान के मिरर वेयर शुड बी इमेज बी फॉर्म द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज थर्टी सेंटीमीटर एंड आल्सो फाइंड द साइज ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज ओके सेम क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन यह है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ड एट फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर इमेज इज टू बी फॉर्म ऑफ हाइट थ्री सेंटीमीटर वर्चुअल एंड इरेक्ट एट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिररर कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिररर एंड ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन इन नेचर तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आ, अलग है इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है साइज ऑफ इमेज गिवन है थ्री सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट तो क्वेश्चन uh, को सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली uh, सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है और साइन कन्वेंशन के साथ कौन सा मिरर है उसको ध्यान देते हुए सॉल्व करेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करिए थैंक यू